आम का सीजन आते ही हम तरह तरह की रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। कच्चे आम की ये रेसिपी थाली के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देती है। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं कच्चे आम की लौंजी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही बेहतरीन स्वाद के साथ इस लौंजी को हम बनाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए लिया है हमने 250 ग्राम लिया है कच्ची कैरी। तो इसको पानी से अच्छे से पहले से धुल लिया है और अब इसको हम छील लेंगे। तो आप इसको चाकू की सहायता से या फिर जो पीलर होता है यानी कि छिलनी होती है, आप उससे भी आम को छील सकते हैं। तो ऊपर की डंठल को हटाते हुए हमें इसका हरा वाला पूरा पार्ट हटा देना है। हरा वाला पार्ट जब लगा रह जाता है तो अंबिया का जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, और गलका में ऊपर की जो लेयर होती है वो हार्ड भी रहती है। तो इसलिए हरा वाला जो हिस्सा है यानी कि छिलका है, उसको पूरा हमें हटा देना है। तो इसी तरीके से हमको सारी अंबिया को छील लेना है गाइस। इससे पहले भी हमने आम की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किया है, आप सब ने उसको बहुत पसंद किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रेसिपी को भी आप बहुत पसंद करेंगे। हमने आपके साथ एक गलका की रेसिपी शेयर किया है, जिसे हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने सारी अंबिया को छील लिया है और अब इसके मनचाहे टुकड़े हम कर लेंगे। तो इसको काटने के बाद जो इसके अंदर गुठली होती है उसको हमें हटा देना है। ये अंबिया अभी अंदर इसमें जाली नहीं पड़ी है, यानी कि हार्ड वाली जो गुठली होती है वो नहीं पड़ी है। तो इसका गलका बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकता है, लेकिन फिर भी इसे बना के अगर हम फ्रीज में रख देते हैं तो ये 1 महीने तक चल जाता है। तो यहाँ पर अंबिया के टुकड़ों को हमने कर दिया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखी है, जिसमें 1 टीस्पून हमने सरसों का तेल डाल दिया है। बहुत कम मात्रा में डालना है, क्योंकि जो हमारी अंबिया है वो भी बहुत ही कम है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून जीरा डाल दिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने सौंफ डाली है, सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने डाला है सरसों के दाने, यानी कि राई है। ये सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको जो भी मसाले ना पसंद हो आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सौंफ ज़रूर डालिएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 2 खड़ी लाल मिर्च को डाल दिया है और सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई अंबिया। अंबिया को हम 1 से 2 मिनट तक मसालों के साथ में भून लेंगे, जिससे मसालों के साथ में जब भूनेंगे तो इसमें मसालों का अच्छा सा फ्लेवर निखर के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अंबिया को 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। और गाइस, हम कलौंजी डालना भूल गए थे, तो यहाँ पर हमने अंबिया को थोड़ा सा साइड करके 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल दी है। कलौंजी को ज़्यादा भूनना नहीं होता है, आप चाहें तो इसको बाद में भी डाल दें। तो सारी अंबिया को हमने अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। पानी का मेज़रमेंट हम कैसे करें, यानी कि 250 ग्राम अंबिया थी तो हम उतना ही पानी इसमें डाल देंगे। तो जो कप है उसमें भी 250 ml का ये कप है, तो हमने 1 कप पानी यहाँ पे डाल दिया है और ढक के इसको हम 4 से 5 मिनट तक पका लेते हैं, अंबिया को सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट अभी पकते हुए हुआ है, तो इसमें हम कुछ मसाले अभी डाल देते हैं। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक डालते समय वीडियो शूट नहीं हो पाया है, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मसालों को अच्छे से मिला देते हैं और ढक के इसको हम 3 से 4 मिनट तक और पका लेते हैं। तो यहाँ पर अंबिया को पकते हुए टोटल 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अंबिया को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अंबिया हमारी बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं और इनको पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी अंबिया पक जाती हैं। तो ये दबा करके आप देख लीजिए इस तरीके से, जब ये अच्छे से पक जाएं तब तक ही हमें इसको पकाना है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। तो आज ये गलका हम चीनी से बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3/4 कप हमने चीनी डाली है। आप इसकी जगह पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को मेल्ट हो जाने देते हैं और इसको हम ढक करके 2-3 मिनट तक और पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ढक के पका लिया है और चीनी जो इसमें डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। और लेकिन अभी ये जो गलका हमारा है ये बहुत पतला लग रहा है, इसको हम थोड़ी देर और पकाते हैं और जो बाकी के मसाले हैं उनको हम बाद में ऐड करेंगे।
यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको खड़े मसालों का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर पंचफोरन मसाला जो पिसा हुआ होता है आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो गलका है वो हमारा पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। 1/4 टीस्पून काला नमक डाला है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है। ये मसालों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, आप काला नमक और भुना हुआ जीरा ज़रूर डालिएगा जिससे गलका आपका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसको ठंडा होने के बाद हम मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो गलका है ये ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी पतला नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको पतली रसी का गलका पसंद है तो आप वहाँ पर ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। आप इसे फ्रीज में रख करके एक महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।